उत्तराखंड का उत्तरकाशी शहर इन दिनों चर्चा में है। लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग मुस्लिमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। एक वर्ग यहां के मुसलमानों को इलाका छोड़ने की धमकी दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बाजारों में मुस्लिमों ने अपनी दुकानें खाली तक कर दी हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कई आपत्तिजनक पैम्पलेट लगाए गए हैं और दुकानों को चिन्हित भी किया गया है। देवभूमि रक्षा अभियान नाम के एक संगठन की ओर से उत्तरकाशी के पुरोला में पोस्टर लगाए गए। इनमें लिखा गया है कि सभी लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को महापंचायत होने से पहले अपनी अपनी दुकानों को खाली कर दे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है लव और लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहां से हुई विवाद की शुरुआत? ये मामला मई महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है। पुरोला में दो युवकों को उस वक्त पकड़ा गया जब वो एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदार भड़क गए। खबरें सामने आई कि कुछ मुस्लिम दुकानदार मिलकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बाद स्थानीय लोगों ने एक मार्च निकाला और पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। पुरोला के बाद गंगोत्री में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आने के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनाओं पर कहा है कि लव और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई, इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। लेकिन लगातार धमकियों और आक्रोश को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं। पुरोला में कई दर्जन दुकानें मुस्लिमों की थी लेकिन अब वे यहां से जा रहे हैं। कई दुकानदार यहां दशकों से अपना कारोबार कर रहे थे। उनका कहना है कि अचानक से यहां का माहौल बदल गया है, अब वे यहां खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहां से पलायन कर रहे लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनाहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी पक्षों को बिठाकर शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, इसका भी भरोसा दिया है। लेकिन मीडिया में आ रही खबरों की माने तो मुस्लिमों के दुकानों पर निशान लगाए जा रहे हैं और उन्हें इलाका छोड़ने की लगातार धमकियां दी जा रही है। देखिए, वहां पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। हमारे पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किए हैं और ऐसे कोई अभी तक हमारे पास ऐसे पुलिस के पास शिकायत नहीं है कि हमारे ऐसे कोई थ्रेटनिंग हुआ या ऐसे कुछ हुआ हो।